हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम रॉक फॉस्फेट के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मैं आपको रॉक फॉस्फेट रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगी। फॉस्फोरस क्यों ज़रूरी है पौधों के लिए, क्यों हमें इसे देना चाहिए? क्योंकि फॉस्फोरस के बहुत सारे फंक्शन जुड़े हैं पौधे के, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, शुगर और स्टार्च का ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से लेकर पूरे पौधे में पहुंचाना और भी कई फंक्शंस हैं। फॉस्फोरस ना मिले तो क्या होता है? तो फॉस्फोरस अगर पौधों को ना मिले तो पौधे के स्टेम्स एकदम पतले से मुड़े तुड़े, जो कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ऐसे हालात हो जाते हैं। ग्रोथ इनकी रुक सी जाती है, और जो इनका मेन काम होता है फ्रूट्स, फ्लावर और सीड्स बनाना, वह नहीं हो पाता है। तो पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है फॉस्फोरस। आगे हम जानेंगे कि फॉस्फोरस की सोर्सेस क्या है, फॉस्फोरस हमें किन चीज़ों से मिलता है। तो फॉस्फोरस हम DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट से दे सकते हैं, या फिर SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट से दे सकते हैं। और ऑर्गेनिकली हम क्या दे सकते हैं फॉस्फोरस सोर्स पौधे में, तो हम बोन मील या रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं। ये दोनों भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इनमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस होता है। बोन मील हड्डियों के चूरों से बनता है, और अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं पौधे में तो आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट क्या है? तो रॉक फॉस्फेट एक तरह का पत्थर है जिसके अंदर फॉस्फोरस मौजूद होता है, यानी कि रॉक फॉस्फेट एक चट्टान होती है जो कि माइनिंग द्वारा निकाली जाती है। तो इन्हीं पत्थरों को निकालकर इसका पाउडर फॉर्म बनाया जाता है। पाउडर फॉर्म में ये आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। रॉक फॉस्फेट में क्या क्या मौजूद होता है? तो रॉक फॉस्फेट में चूना, सिलिका और मिट्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस होता है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। फॉस्फोरस इसमें 20-25% तक होता है। आप इसे कैल्शियम का सोर्स भी मान सकते हैं फॉस्फोरस के साथ साथ। रॉक फॉस्फेट का क्या उपयोग है? तो रॉक फॉस्फेट नेचुरल सोर्स है फॉस्फोरस का, साथ में ये रॉ मटेरियल भी है केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। प्लांट्स को हेल्दी बनाता है और पौधे में न्यू ग्रोथ की शुरुआत करने में मदद करता है। ये एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, पौधे को धीरे धीरे वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहुंचाता रहता है। आपके पौधे में फॉस्फोरस के साथ साथ सिलिका और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। सब्जियों, फूलों, फलों में हैवी फ्रूटिंग चाहिए तो रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। गुलाब के पौधे में इसे डाल सकते हैं। रॉक फॉस्फेट गुलाब में ज़्यादा बर्ड्स बनाने में मदद करता है और रूट सिस्टम को मजबूत बनाने में भी ये हेल्प करता है। मिट्टी अगर एसिडिक हो तो पौधा अच्छे से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकता है। अल्कलाइन मिट्टी में फॉस्फोरस को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं इसके रूट सिस्टम्स। रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कैसे करें? रॉक फॉस्फेट को हम 10-14 इंच के गमले में 1 चम्मच गमले में डाल सकते हैं। मीडियम साइज पौधा हो तो 5 टेबलस्पून डाल सकते हैं, और बड़े पौधे हो तो 100 ग्राम डाल सकते हैं। शुरुआत में आप 1 चम्मच से ही शुरू कर सकते हैं। ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करें और रॉक फॉस्फेट मिट्टी में अच्छे से मिला दें। उसके बाद पानी दे दें। ये 100% नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो पौधों को दिक्कत नहीं होगी। महीने में आप इसे एक बार दे सकते हैं। तो ज़रूर से अपने पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र ले आइए, अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। आप इसे गुलाब, गुड़हल, गुलदावरी, मोगरा और सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्ची, इन पौधों में डाल सकते हैं। टमाटर में खासकर कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम एंड रॉट की बीमारी होती है, इसे डालने से ये बीमारी नहीं होती है। हम इसे फलों के पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे पौधों के हर स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी रॉक फॉस्फेट के बारे में।
बहुत ही उपयोगी ये फास्फोरस का सोर्स है। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।